morning to all my dear students. We are starting with a new answer today, which is procedural issues in strategy implementation. ये जो आंसर है स्टूडेंट्स, अगेन इट्स वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा लेंथी है. ओके, लेंथी का मीनिंग हो जाता है बड़ा. नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यू नो प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ, यू पीपल ओनली टेल मी. कल अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं हमेशा मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल देती रहती हूँ, तो खुद का मोबाइल फ़ोन का बिजनेस मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे मन में आ गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, डज इट वर्क लाइक दैट? या तो गवर्नमेंट के कुछ लाइसेंसेस प्रोसीजर्स होते हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, आप बता सकते हो वो मुझे? मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, यू नो कोई भी, पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही हमें परमिशन मिलती है. राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स, काफी सारे परमिशन लगते हैं, बिकॉज सी यू आर राइट, सिमरन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वरना तो यू नो किसी के मन में आ गया, कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया. राइट, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. सो बेसिकली प्रोसीजरल इश्यूज, मतलब अगर हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के टाइम, सी स्टूडेंट, हम स्ट्रैटेजी कब इम्प्लीमेंट करते हैं? जब हमारा प्लानिंग एंड ऑल अच्छे से हो गया है. राइट, तो ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है. सो सी स्टूडेंट, इवन इफ वी आर बाइंग न्यू मशीन्स फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी हमें गवर्नमेंट की परमिशन लगती है. ओके, वॉट आई मीन टू से इज, यू नो ऐसे छोटे छोटे मामले, हर चीज में, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे बिल्डिंग में नीचे एक नई शॉप आ रही है, तो आई मीन यू नो वहाँ पे एवरीडे काम चलता है, वो लोग यू नो मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ फास्ट फूड आउटलेट. तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट, फास्ट फूड के लिए गैस चूल्हा एंड ऑल लगता है. तो वॉट आई मीन टू से हियर इज, यू नो उन्होंने इतनी, हमारी तो छोटी सोसाइटी है, वॉट आई मीन इज उन्हें भी हमारी परमिशन की जरूरत लगी थी. मतलब आपको समझ में आया, एक बड़े बिजनेस के लेवल पे उन्हें कितनी परमिशन की जरूरत होती होगी. राइट, ये तो मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया. व्हाई यू आर आस्किंग कि हम लोग अब लेते हैं उनसे परमिशन एंड ऑल, आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स. मे बी अगर टुमारो, बिकॉज मैंने आपको कहा वो फ्रेंकी या ऐसा कुछ बना रहे, चूल्हा लगेगा, अगर कल आग लगी या ऐसा कुछ होगा तो उसमें सोसाइटी की मिस्टेक नहीं है. राइट, तो वही ये सब पार्ट, बिकॉज फ्यूचर में ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट. ओके, तो उसमें वही कहा है कि प्रोसीजरल फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस है, वही उसमें लिखा है, प्रोसीजर्स ले डाउन फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ओके, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम डेफिनेटली इंडिया में रह रहे हैं तो वी हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द इंडियन एंगल. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. स्टूडेंट्स, कंपनी को आप लोगों ने लॉ पढ़ा है इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, कंपनीज एक्ट डू यू नो कौन से ईयर का है? सिंस यू हैव स्टडीड लॉ, कौन सा ईयर आ जाता है वो बताओ मुझे, कंपनीज एक्ट का. बिकॉज डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स व्हाट बेसिकली, यू नो कंपनी के लिए क्या गाइडलाइंस है, वो सब हमें हमारा बाइबल, गीता, जो भी है, व्हेन इट कम्स टू कंपनी, कौन है? कंपनीज एक्ट. ओके, मैं ईयर पूछ रही थी, किसी को याद है? नो सिमरन, एक्चुअली दैट इज नॉट द राइट आंसर. सी, उसमें दो पार्ट्स है. ओके, आई विल टेल यू, पहले का जो था 1956 था ओरिजिनली. ओके, एंड उसके बाद का बना 2013 लेटेस्ट. मतलब सी, आप लोग देखो 1956, यू लास्ट मी वो टाइम पे हाउ इट वाज डिफरेंट. राइट, यू ऑल नो दिस, आप लॉ में पढ़ चुके हो, वो टाइम हमें 1947 में फ्रीडम मिला था, फिर नेहरू जी एंड ऑल अपने हिसाब से सब इंडिया चला रहे थे. राइट, तो वो टाइम का कंपनीज एक्ट, एंड यस अभी के टाइम का कंपनीज एक्ट 2013 का. ओके, जिसमें काफ़ी चेंजेस हुए, वंस एलपीजी केम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. राइट, तो उसमें स्टूडेंट्स वही होता है, यू नो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है. ओके, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तुम कब स्टार्ट करते हो उसके लिए भी तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम आर ओ सी. एनी वन नोज आर ओ सी?
काफी कॉमन वर्ड है ये। आरओसी क्या होते हैं? यस गुड सिमरन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके नॉट रजिस्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब इनसे हमें ये सारे सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वी इन सिंपल वर्ड्स ऑब्टेन इट फ्रॉम देम, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसमें यू आर सपोज टू राइट अबाउट कंपनीज एक्ट, ठीक है। आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो एक्ट, मैं लॉ नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके या द सेकेंड वन इज लाइसेंसिंग प्रोसीजर, इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक उसमें क्या कहा है कि ऐसी सिक्स इंडस्ट्रीज है जो लोग को लाइसेंसिंग की जरूरत लगती है, लाइसेंसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कैन यू गेस स्टूडेंट्स कौन से ऐसे स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है? ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, अकॉर्डिंग टू देम ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें लाइसेंसेस बहुत स्ट्रिक्टली लगते हैं। थिंक अबाउट इट, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स है, एटलीस्ट दो तीन मुझे बता दो, सब नहीं बताए चलेगा, थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है। ओके कम ऑन स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट, ऐसी कोई चीज बताओ जो मे बी यू नो कमर्शियल डेली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड उसका मिस यूज भी हो सकता है। गुड सिमरन, शी हैज टोल्ड केमिकल इंडस्ट्री, दैट्स राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव, वेरी गुड पॉइंट यू हैव टोल्ड। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली केमिकल्स इंडस्ट्रीज यू ऑल नो इसका एक पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड भी। नेगेटिव साइड क्या हो सकता है? व्हाट हैपेंड इन यू नो भोपाल गैस फैक्ट्री, अगर हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। एंड अच्छी साइड क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, गुड नेहा। ओके हाँ, मेडिसिन इज ऑल्सो राइट स्टूडेंट, बट मेडिसिन में कंपेरेटिवली गुड, दैट्स नोन एज ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एक एग्जाम्पल दे रहे हो, यू नो इन वेरी गुड, रोहित एंड अजय आंसर्ड मी दिस। सी स्टूडेंट, स्पेशली जो ड्रग्स है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूँ, पहले फार्मास्यूटिकल स्टोर्स में वो क्या बोलते हैं एसिड्स भी मिल रहे थे, बट देन यू नो आफ्टर एसिड अटैक स्टार्टेड हैपनिंग, गवर्नमेंट ने वो पूरा चेंज ही कर दिया कि अभी स्टॉप सेलिंग एसिड लाइक अ मेडिसिन। ओके यस गुड, चलो इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट्स बताओ। अच्छा ओके आई विल टेल यू, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, डिफेंस। टेल मी वन थिंग, वाई डू यू थिंक डिफेंस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग? डिफेंस मतलब कंट्री के आर्मी नेवी ये लोग जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ये सब। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल अगर कंपनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो हमारे कंट्री का डेटा कोई और दुश्मनों को नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान चाइना, येस और नो? तो आप देखो स्टूडेंट्स, डिफेंस एंड ऑल इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट ऑलवेज कीप्स इट अ सीक्रेट। ओके इसके अलावा ये मुझे किसी ने नहीं बताया, अल्कोहल सिगरेट ये सब चीज़ें राइट, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आप देखो इसमें बेसिकली वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट इसलिए काफ़ी कम मात्रा में इसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आई मीन मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये सब जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है इसके लिए जो हमें परमिशन लगती है, ओके दैट वी ऑब्टेन इट फ्रॉम SIA, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, सेक्रेटरिएट फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल। ओके अप्रूवल का मीनिंग यूजेज ऑफ समथिंग। ओके एंड ये जो गाइडलाइंस होते हैं वो PAB ने बनाए, PAB मीन्स प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, दैट इज वॉट इज सेड, इज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। ओके द नेक्स्ट वन इज ओके आई थिंक शुड आई गो बाय योर टेक्स्ट बुक या तो इसके हिसाब से जाओ। ओके फाइन, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा है फॉरेन कोलेबोरेशन प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी फॉरेन कोलेबोरेशन यू ऑलरेडी नो, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नो अमेजोन अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, मैकडोनल्ड्स इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, या तो बी इट यू नो पार्टनरशिप बिटवीन वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट जो भी हो, मतलब फॉरेन कोलेबोरेशन,
मतलब उसमें वही लिखा है यू नो कि प्रोजेक्ट्स जो होता है हमारे फॉरेन के कोलैबोरेटर, कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या होता है, दो या ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं। तो व्हाट आई मीन इज अमेजोन भी जब इंडिया में आया था स्टूडेंट्स, उन्हें काफी गवर्नमेंट की एंड ऑल परमिशन लगी थी, राइट? आई मीन बिफोर एंटरिंग इन टू अ बिजनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंट्री यू नो कैसे ऑपरेट कर रहा है, राइट? वहाँ के क्या टैक्स का इश्यू है, वॉट एवर इट इज दे हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो उसमें बेसिकली वही कहा है कि टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट होता है, रॉयल्टी पेमेंट्स, मतलब ये सब पहले से ही क्लियर होना चाहिए, राइट? कि रॉयल्टी पेमेंट्स मतलब तुम अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो किसे ज्यादा फायदा होगा, क्या परसेंटेज होगा, राइट? पहले से ही ये सब चीजें क्लियर करना अच्छा हो जाता है, बिकॉज फिर आई मीन काफी बड़े पंगे ना हो इसलिए, राइट? तो इसमें अगर मैं आपको बात करूँ, कौन से इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ओके, ऐसा उनका एक बोर्ड है, फिर आरबीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ यू विल आस्क मी कि आरबीआई क्यों मैम, बिकॉज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, आरबीआई, यू ऑल नो इट इज द सेंट्रल बैंक। तो आई मीन कल अगर कोई बिजनेस लोन या कुछ ले रही है तो वह आरबीआई से ही लेगी, येस और नो? ओके, हाँ। द नेक्स्ट वन इज फेरा रिक्वायरमेंट्स। ओके, सी स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ओके, ये भी है। एंड इसके अलावा अगर आप बात करो, आपकी टेक्स्ट बुक में फेमा रिक्वायरमेंट्स लिखा है, FEMA, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आई मीन वो 1999 साल है। आई मीन आप लोग ये सिर्फ याद रखो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो, दोनों का पर्पस मोर और लेस सेम है, टू एंश्योर वॉट कि अच्छे यू नो रिलेशंस रहे बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, बीच में यू नो जो एजेंसीज होती है अपना उन्हें कमीशन ध्यान से मिले। द मेन थिंग इज मैंने आपको वही कहा है, टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज आपको पता ही है स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट जो होता है वो हमेशा हेल्पफुल होता है, राइट? एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमें बाय डिफॉल्ट इम्पोर्ट भी करने पड़ते हैं, तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझाना चाहती हूँ। तो ये सब फॉरेन रिलेशंस के जो आप लोग देखो, बीच में इंडिया चाइना के बीच रिलेशंस वे नॉट गुड बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल, जो भी रीजन है, तो काफी हमने कम कर दिया था, इनफैक्ट बैन ही कर दिया था, राइट? मतलब ऐसे सब इश्यूज भी आते हैं। ओके, या आई होप आप लोगों को समझाए यहाँ तक। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? ऑलमोस्ट वी आर हाफ वे, ऑलमोस्ट गुड, ओके, ग्रेट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स, इट्स द सेम थिंग, कॉम्पिटिशन एक्ट, ओके, सी, उसके 2 साल दिए अगेंस्ट स्टूडेंट्स, मेनी इयर्स विल बी, कई बार यू नो कॉम्पिटिशन एक्ट का सही साल इज 2022। ओके, सी आई मीन ये क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव्स में एंड ऑल आते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? मीन कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, आई मीन डोंट डू दैट, ओके? हाँ, तो सी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन एक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? सी कॉम्पिटिशन यू ऑल ऑलरेडी नो, हर कोई बिजनेस में होता ही है, तो इसका क्या मीनिंग है, ये एक्ट क्यों आया होगा? नाउ इफ समवन आस्क मी, सी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन एक्ट क्यों बनाया गया था? बेसिकली टू एंश्योर दैट देर इज फेयर कॉम्पिटिशन इन द बिजनेस, फेयर हेल्दी कॉम्पिटिशन। आप लोग देखो यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए, आइडियली मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक माँ भी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास 5 चॉकलेट है एंड उसके 5 बच्चे हैं, वॉट शी विल डू इज 5ों को एक एक देगी, ऐसा नहीं करेगी ना कि मे बी यू नो एक बच्चा उसका फेवरेट है तो उसको 2 दे दो और एक शैतान है तो उसे 2 ही मत, नो, आइडियली देर शुड बी इक्वालिटी, राइट? तो सेम वे स्टूडेंट्स, अगर मैं एक कंट्री की भी बात करूँ तो दिस इज वॉट यू नो कंपनीज एम फॉर, कि यू नो हेल्दी कॉम्पिटिशन, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यू नो छोटी कंपनीज जो है इन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिले, दैट इज वॉट आई मीन टू टेल यू योर, ओके? एवरी वन शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज बेसिकली टोल्ड योर, वॉट इज टोल्ड योर, ठीक है क्या?
नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? या आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल इश्यू कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, दिस इज इन अ वे कवर्ड अंडर आरबीआई ओनली, यस और नो? बिकॉज कंपनीज को कितना कैपिटल देना चाहिए, कितनी लोन्स इश्यू करना है, दैट इज ऑल द सब्जेक्ट ऑफ आरबीआई, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली वही बैंकर्स बैंक है. ओके, हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स. सो सी स्टूडेंट्स, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएफटी? आई डोंट नो, वी हैड दिस सब्जेक्ट इन बीएमएस, हमें पूरा वो ट्रेड एंड ऑल डिटेल में था. तुम लोगों को ये था कि नहीं? आई रियल डोंट नो. तुम लोग को पता है डीजीएफटी क्या? व्हाट इज डीजीएफटी, एनीवन नोस? अच्छा, ओके, नहीं पता है तो सुनो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. सी स्टूडेंट्स, कभी भी हम फॉरेन ट्रेड, सी जितना डोमेस्टिक ट्रेड काफी इजी है, राइट? डोमेस्टिक मींस विद इन द कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें काफी लीगैलिटीज, काफी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. ओके, ऐसा ही नहीं है सी डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब आज अगर फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन है, आई कैन इजीली सेल इट इन इंडिया, ओके? बट एट द सेम टाइम इफ यू सी, कल मैं वो सेम चीज फॉरेन में बेचना चाहती हूँ, तो आई मीन यू नो बीच में काफी टैक्सेस लगते हैं. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको वही समझाना चाहती थी, इट्स नॉट ऑल दैट इजी. ओके, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट आई मीन टू टेल यू योर इज, यू नो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो लोग हमें एक नंबर देते हैं, आईईसी नंबर. आईईसी स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर. ओके, मेरे कहने का क्या मतलब है कोड नंबर? आप लोग देखो, आप मॉल में भी शॉपिंग करने जाते हो कोई भी चीज का, आप लोग देखो, दे विल गिव यू अ कोड नंबर, येस और नो? यू विल आस्क मी नाउ, मैम क्यों ये कोड नंबर देते हैं? बेसिकली इज टू मेक श्योर कि यू नो कल अगर आप वो प्रोडक्ट बिगड़ा हुआ निकला या तो फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप इजीली एक्सचेंज करा सकते हो. एंड इन अ वे कोड नंबर है तो इट गिव्स यू आइडेंटिटी ऑल्सो. ओके, तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर, इज मेन थिंग जो यहाँ पे का है आईसी नंबर, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आई मीन तो कई बार अगर कोई कंपनी है स्टूडेंट्स, वो लोग पता चला कि वो लोग ने कुछ बड़ा लफड़ा किया है या तो फिर कुछ नहीं अच्छा कर पा रहे, तुरंत आई मीन यू नो वी कैन विड्रॉ दे लाइसेंस, ठीक है? तुरंत, किसी को कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है? या द नेक्स्ट वन दैट आई विल टॉक अबाउट इज सेबी रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे कवर्ड नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में है. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट सेबी इज? ये आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म ही पूछ रही हूँ, सेबी क्या है? वेरी इजी स्टूडेंट, सेबी का फुल फॉर्म बताओ मुझे. यू हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स, ओके? फर्स्ट ईयर से ही आपको ये पता होना चाहिए. SCBI, सेबी, नो वन रिमेम्बर्स? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, हाँ, सी स्टूडेंट्स, ये सेबी का एक्ट 1992 में आया था. नाउ सी स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस, मतलब अगर आप ये देखते हो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, जो स्टॉक ब्रोकर रिलेटेड है, ये सब जो होता है सेबी वो देखता है. इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, राइट? सी, बिकॉज कई बार यू नो अभी वो सीरियल काफी फेमस है, हर्षद मेहता स्कैम की, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस ओनली कि उसने कैसे स्कैम्स किए थे. वॉट आई मीन इज, ऐसा कुछ आइडियली ना हो इसके लिए यू नो सेबी बनाया जाता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो आपको बोल रही हूँ, राइट? ओके, ग्रेट. द नेक्स्ट वन इसके लिए, चलो, ओके, वेरी गुड, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है. लेट मी शेयर अनदर फोटो विथ यू.
Students, tell me one thing. Let me see who answers this by the time I am sharing. When it comes to customers, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट आ जाती है. कैन यू टेल मी आप कस्टमर के एंगल से सोचो विच वन इट इज. कस्टमर्स को ये देखो आपके पीपीटी, मैंने एक खास पीपीटी बनाया, ये देख के कुछ याद आया. कस्टमर प्रोटेक्शन, यस और नो? कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टूडेंट, सीपीए 1986. अच्छा स्टूडेंट्स, आई डोंट नो मैंने आप लोगों के क्लास में वो वीडियो दिखाया है व्हेन इट कम्स टू कस्टमर प्रोटेक्शन. मैंने वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था बेसिकली, जागो ग्राहक जागो. हैव आई शोन यू ए एड, उसमें मैंने दिखाया था. या डोंट वरी स्टूडेंट्स, डोंट वरी. ओके यागेश, आई गॉट इट. हाँ मैं आपको वही पूछ रही थी, आप लोगों ने, मैंने आपको वो एड देखा है कि देर इज वन पर्सन जिसको फोन आ रहा है ऐसे ही कि आप बैंक के डिटेल्स दो. हैव आई शोन यू दैट वीडियो और नॉट? ये क्लास में आई डोंट रिमेम्बर. ओके ग्रेट, आई विल डू वन थिंग. दो तीन मिनट का ही वीडियो है, सो जस्ट रिमाइंड मी एट अराउंड 9:36, मैं आपको तभी फटाफट दिखा दूंगी. बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, सी स्टूडेंट्स, जागो ग्राहक जागो, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. आपने एटलीस्ट इसके बारे में सुना ही होगा. मतलब यू नो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस मोस्टली हैपेंस इन रूरल एरियाज. क्या होता है वहाँ के जो कस्टमर्स है दे आर नॉट एडुकेटेड बेसिकली, ठीक है? तो आई मीन उनसे जो भी प्राइस चार्ज कर रहा है वो लोग दे देते हैं. आइडियली आपको पता ही है स्टूडेंट्स, एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके आगे यू नो कोई प्राइस और चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ठीक है? तो वही मैं आपको बोल रही थी. ओके उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सी स्टूडेंट्स, यू नो मतलब ऐसे कोई इलीगल प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, सी आप लोग देखो, यू ऑल आर राइट. एक्चुअली आपने सुना होगा कंज्यूमर कोर्ट्स भी होते हैं, येस और नो? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कल हमें कोई प्रोडक्ट लिया है हमने, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ऐसा है वैसा है, बट यू नो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, यू नो आपको पता चला है कि वो जो क्लेम कर रहा है दैट इज टोटली रॉन्ग उसका क्लेम जो है, राइट? तो आई मीन आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसका कंप्लेन कर सकते हो, राइट? कि आपने ये जो प्रोडक्ट बेचा है क्यों ऐसा बेचा है बेसिकली, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि हर कंपनी जो होती है देर आर सर्टन थिंग्स दैट अगर उन्हें यू नो फॉर एग्जाम्पल कल अगर कोई कस्टमर है, ओके, वो कंप्लेन कर रहा है तो उन्हें कंपनी को भी फाइन देना पड़ता है. कोर्ट तभी ये नहीं देखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, राइट? मतलब कस्टमर्स जो ग्राहक होते हैं, इवन दे हैव अ राइट टू बी हर्ड, बेसिकली वही बोला है, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके अभी आई एम शेयरिंग विथ यू ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट जो है, ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा. ओके या सी स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? आई मीन जस्ट लुकिंग एट द पीपीटी, कैन यू गेस ये पॉइंट इसके रिलेटेड हो सकता है? आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट द पीपीटी एंड गेस करने की ट्राई करो, ये सब क्या है? हाँ राइट रोहित, केमिकल इंडस्ट्री, दैट्स राइट. एंड क्या रिलीज कर रहे हैं वो? आई मीन इसके वजह से क्या हो रहा है? राइट सिमरन, डेफिनेटली ये सब केमिकल्स ही है, बट इट इज क्रिएटिंग व्हाट? राइट सिमरन, पोल्यूशन. गुड यागेश अवनी, पोल्यूशन दिखा रहा है वो. सो सी स्टूडेंट्स, यस वही सब का है यहाँ पे. पोल्यूशन कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स. सी स्टूडेंट्स, यू नो मैंने आपको शायद ये एग्जाम्पल दिया था कि हमारा जो ताजमहल है इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता ही है.
बट वॉट इज हैपनिंग इज यू नो बेसिकली, हाँ क्या हो रहा है हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली इज यू नो कि पोल्यूशन काफी, आई मीन दिल्ली साइड एंड ऑल, इट्स ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड. सो वॉट इज बेसिकली हैपनिंग इज यू नो इसकी वजह से काफी दिक्कत है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही है. ओके तो ताजमहल जो था काला पड़ रहा था, तो व्हाट द गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन इज कि यू नो वहाँ के साइड के जो सब फैक्ट्रीज है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, बंद कर दो उन्हें. ओके या आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल. तो सेम वे अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक में वही लिखा है, एयर पोल्यूशन के लिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981. पानी सेम, यू नो कंपनीज ऐसे ही अपना वेस्ट पानी में नहीं फेंक सकती है, तो उसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. ओके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपने शायद सुना होगा. ओके मतलब ऐसे सब एक्ट्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट यू नो कंपनीज अननेसेसरीली, सी स्टूडेंट्स इवन एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, तो कंपनी के ऑपरेशंस की वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. एंड द लास्ट पॉइंट इज लेबर लेजिस्लेशन, जिसमें मैंने स्पेशलाइज किया है. सो सी स्टूडेंट्स, ये आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ा है, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, बोनस एक्ट है 1965, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट है. जस्ट थोड़ा ब्रीफली बताओ फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, यू नो मिनिमम वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए सब एम्प्लॉयज के, राइट? फिर बोनस एक्ट, मतलब एम्प्लॉयज को बोनस मिलना चाहिए. वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में क्या था इफ यू टेल मी, बेसिकली यू नो एम्प्लॉयज को सैलरी फुल मिलनी चाहिए एंड टाइम पे मिलनी चाहिए, येस और नो? आई होप आप लोगों को याद आया. मिनिमम वेजेस मतलब मिनिमम सैलरी जो एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं उतना उन्हें मिलना ही चाहिए, राइट? ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, आई नो यू हैव स्टडीड दिस इन डिटेल, राइट? तो लेबर लॉज में यही सब आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड आज का लेक्चर. वी आर डन विथ टूडेज लेक्चर. मैं आपको फटाफट अब असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद आई विल शो यू दैट जागो ग्राहक जागो का वीडियो. ओके नो नो नेहा, सी आपको सिर्फ ये जो आंसर है ना आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखना, सिर्फ वो एक्ट का नेम लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बस इतना ही लिखना है, बिकॉज ये आंसर में आपको सब पॉइंट्स लिखने हैं, तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द एक्ट्स इन डिटेल, सिर्फ एक्ट्स का नाम लिखना है प्लीज. अदरवाइज यू नो आप एग्जाम में कभी आपका फिनिश नहीं होगा. आप टेक्स्ट बुक में भी देखना, दे हैव जस्ट मेंशन द एक्ट एंड उसका ईयर, दैट्स इट. ओके और कुछ आई मीन आप मत लिखो, बाकी कोई कोई पॉइंट्स है लाइक फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल है, वो आप थोड़ा डिटेल में कर दो बिकॉज ये एक पॉइंट है. अब फैक्ट्री एक्ट एंड ऑल डिटेल में लिखते बैठे हो गए कभी आंसर होगा नहीं आपका, ठीक है? या ओके सो नाउ या मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वी विल स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन. ओके आज का लेक्चर इज अबाउट प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, सो उसका आई एम जस्ट फ्रेमिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है हाँ, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी आ गया है. ठीक है या क्या लिखा है देखो, डिस्कस द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. ओके दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. नाउ अभी फटाफट आपको अगर सब समझ में आया है तो
तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, आई एम क्विकली गोइंग टू योर यूट्यूब. ओके ओके मैं आपको एक जागो, आई नो मुझे और एक्स भी दिखाने थे, बट एनी वे आज टाइम कम है तो आज हम इतना ही करता है. नेक्स्ट लेक्चर यू कैन रिमाइंड मी ओके कि मैम आप वीडियो दिखाओ. सो सी जागो ग्राहक जागो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस एड. या सी दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू. ओके सी स्टूडेंट्स, देर इज अ नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड, एक कस्टमर है, उसको बैंक से फोन आ रहा है. वो क्या बोल रहे, सर आपने रिसेंटली शॉपिंग किया था आपके एटीएम कार्ड से? ही इज लाइक हाँ किया था. तो फिर उसे यू नो पूछ रहे कि सॉरी सर आपका जो है यू नो वी हैव ब्लॉक्ड योर क्रेडिट कार्ड. सो ही इज आस्किंग बाय, तो क्या रीजन बोल रहा है वो बेसिकली इज यू नो कि आपने आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है. सो नाउ व्हाट ही डू इज यू नो ही विल स्टार्ट आस्किंग ऑल द डिटेल्स टू हिम कि आप आपका फुल नेम बताओ, एड्रेस बताओ, यू नो सब. आई मीन यू नो सी देखो नाउ व्हाट ही इज आस्किंग इज जस्ट हैव अ लुक एट द फॉर द वीडियो. फिर धीरे धीरे वो उसका कार्ड नंबर, आई मीन सी स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अ केस ऑफ फ्रॉड. कोई आपको ऐसे पूछ रहा है, यू शुड नेवर आंसर देम इन दिस मैनर. ओके सो ऐसे आई मीन यू नो उल्लू नहीं बनना है हमें, दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन द वीडियो. ओके सी दिस इज अ जॉइन, मतलब फिर उसको पिन नंबर भी पूछा कार्ड के साथ. ऐसी मिस्टेक कभी गलती से भी मत करना स्टूडेंट. साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, मुंबई पुलिस, आई मीन जागो ग्राहक जागो यही था. कैसे एड्स लेके आते, जस्ट टू मेक श्योर कि जो कस्टमर्स है दे आर अवेयर. ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर. आई हैव